कलर्स चैनल पर आने वाले पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनकर बिग बॉस के फैंस खुश हो जाएंगे। दरअसल इस बार छोटे पर्दे पर सलमान खान के बिग बॉस की एंट्री थोड़ी जल्दी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये शो इस साल 16 सितंबर को ही ऑन एयर हो सकता है। बिग बॉस के 12वें सीजन के लिए मेकर्स ने खास प्लानिंग भी की है। इस बार शो में कंटेस्टेंट जोड़ियों में एंट्री करेंगे। हर साल शो को एक नया विनर मिलता है, तो चलिए बताते हैं आपको बिग बॉस के अब तक के सीजन के विनर्स के बारे में। इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी विनर हैं जो आज काफी पॉपुलर हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो गुमनामी में जी रहे हैं। बिग बॉस सीजन 1। बिग बॉस के पहले सीजन के विनर थे बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय। राहुल घर में काफी शांत रहते थे, लेकिन आखिर में सबको पछाड़ते हुए राहुल ने शो के विनर का ताज अपने नाम कर लिया था, लेकिन शो जीतने के बाद वो फिर गायब हो गए। साल 2016 में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर टू बी या नॉट टू बी के साथ बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और राहुल फिर लाइमलाइट से दूर हो गए। बिग बॉस सीजन 2। बिग बॉस 2 के विनर थे आशुतोष कौशिक। बता दें कि बिग बॉस जीतने से पहले आशुतोष रोडीज का खिताब भी अपने नाम कर चुके थे। आशुतोष फिल्म जिला गाजियाबाद 2013 और शॉर्टकट रोमियो 2013 में छोटे रोल में दिखे थे। इन फिल्मों के बाद उन्होंने कुछ टीवी शो में भी काम किया, जिनमें कॉमेडी सर्कस राहुल दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे शो शामिल हैं। साल 2016 में भी फिल्म लाल रंग में एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए थे। अभी वह किसी भी फिल्म या टीवी शो पर सक्रिय नहीं है। बिग बॉस सीजन 3। बिग बॉस के सीजन 3 के विनर थे विंदु दारा सिंह। विंदु दारा सिंह ने शो में रहकर काफी हंगामा किया। शो से बाहर आने के बाद विंदु ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे। बिग बॉस सीजन 4। बिग बॉस के सीजन 4 की विनर थी टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी। ये शो जीतने के बाद श्वेता टीवी शो परवरिश में नजर आई। इसके बाद श्वेता डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 6 में भी नजर आई। इसके बाद श्वेता सीरियल बेगुसराय में भी नजर आई। बिग बॉस सीजन 5। टीवी सीरियल कुमकुम एक प्यारा सा बंधन में कुमकुम का किरदार निभाने वाली जूही परमार ने बिग बॉस का 5वां सीजन अपने नाम किया था। इन दिनों जूही सीरियल शनिदेव में नजर आ रही है। इस धारावाहिक में जूही शनिदेव की माँ का किरदार निभा रही है। बिग बॉस सीजन 6। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की में वैम्प का किरदार निभाने वाली उर्वशी ढोलकिया बिग बॉस के सीजन 6 की विनर थी। रियल लाइफ में भले ही उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाए, लेकिन रियल लाइफ में उर्वशी ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। इन दिनों उर्वशी टीवी शो चंद्रकांता में इरावती देवी का किरदार निभा रही हैं। बिग बॉस सीजन 7। एक्ट्रेस गौहर खान ने साल 2013 में बिग बॉस का खिताब अपने नाम किया था। वैसे तो गौहर ने बिग बॉस में आने से पहले कुछ फिल्मों में काम किया था, लेकिन शो जीतने के बाद भी वो आज तक फिल्मों में काम कर रही हैं। बेगम जान में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की काफी तारीफ भी हुई थी। बिग बॉस सीजन 8। टीवी सीरियल दिया और बाती हम में काम कर चुके गौतम गुलाटी ने बिग बॉस 8 की जीत का खिताब अपने नाम किया था। इस सीजन को सलमान और फराह दोनों ने होस्ट किया था। बिग बॉस के बाद गौतम फिल्म बहन होगी तेरी में दूल्हे राहुल के किरदार में नजर आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिग बॉस सीजन 9। बिग बॉस सीजन 9 के विनर थे प्रिंस नरूला। प्रिंस की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। बिग बॉस के बाद प्रिंस टीवी सीरियल बड़ो बहू में लीड रोल में थे। बिग बॉस सीजन 10। मनवीर गुर्जर ने बिग बॉस 10 का खिताब अपने नाम किया था। मनवीर की फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। इस सीजन के बाद मनवीर शो खतरों के खिलाड़ी में नजर आए थे। अब खबर आ रही है कि मनवीर जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। मनवीर जल्द ही आज की अयोध्या से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। इस फिल्म में मनवीर मुख्य किरदार रुद्र की भूमिका में नजर आएंगे। बिग बॉस सीजन 11। शिल्पा शिंदे ने बिग बॉस 11 का खिताब अपने नाम किया था। शिल्पा के फैंस को पहले से उम्मीद थी कि शिल्पा इस शो की विनर बनेंगी, लेकिन फिर भी लास्ट तक हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच काफी टक्कर रही। हालांकि फिर भी शिल्पा ने बाजी मारी और शो के विनर का खिताब अपने नाम किया। शिल्पा ने शो जीतने के बाद सुनील ग्रोवर के साथ दन दना दन शो किया था, जो कि काफी हिट हुआ था। इसके साथ ही हाल ही में शिल्पा ने 54 लाख की मर्सिडीज बेंज GLC SUV खरीदी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।